हमारे बारे में सर जी सब भी अच्छे हैं, ठीक है ना। जो भी आएगा ना, हमने मजदूरी करनी और खाना है बस, और उन्होंने कुछ नहीं देना। बन भी गया तो कुछ नहीं देना हमारे लिए, सब हमारा मुल्क अच्छा चले, एक अच्छी हुकूमत तो चाहिए। अरे अच्छे मुल्क को जो आएगा तबाही का ख्याल है, और कोई नहीं है, बस वोट देंगे। वोट देंगे जिसको दिल करेगा दे देंगे। मेरे हिसाब से तो नून लीग है। अच्छा जी, क्यों सर? नून लीग ने सारे काम नून लीग ने किया, और किसने किया है? अच्छा जी जी, आपको लगता है कि अब नून लीग? बिल्कुल सर, इस टाइम में तो हमें तो पीटीआई नजर आ रही है। अच्छा, हाँ जी। उसके पास तो ना बल्ला ना निशान ना कुछ और। इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा, जो काम उन्होंने किया और किसी ने नहीं किया हमारी नजर में। मेरे नहीं ख्याल के हमारे वोट का कोई भी हकदार हो सही इस वक्त। अच्छा, हाँ जी, किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो अब निशान नहीं है पीटीआई का, तो वो कोई मुश्किल का बायस बनेगा? ये तो आप बेहतर समझते हो, क्या हुआ है? शेर भेड़ बकरियों को खा जाएगा। अच्छा, ये भेड़ बकरियों को? ये भेड़ बकरियां जो लोटे हैं, जिन्होंने मुल्क का नाश कर दिया है, महंगाई इतनी कर दी है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ जिंदाबाद। चांस नून लीग को जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? बस हालात ऐसे है, 5 साल पूरे किए हैं इमरान खान ने, तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल का हाल देखो किधर पहुंच गया है। चांस देने दे नून लीग को, आगे आवाम की मर्जी है जैसे भी गए। सिवाय इमरान खान के और कोई भी नहीं। क्या वजह? वैसे यार मैं इंस्पायर है, बंदा डिजर्व करता है यार, वो बंदा। हाँ, डिजर्व करता है, वो बहुत बड़ी बात है, वो मैं कह नहीं सकता। यहाँ मेरे सही माने का हकदार है तीर। अच्छा, पीपल्स पार्टी। क्यों मसियाल जी? क्यों? क्यों अच्छे काम कराते हो यहाँ? अच्छा, बेहतरीन काम कराते हैं। पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी बेहतरीन। बिलावल जी। अच्छा, ठीक। नौजवान क्यादत है। अच्छा, और गरीबों का हमदर्द है। इस वक्त अगर काम को देखें तो नून लीग से ज्यादा किसी के भी काम नहीं है। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नजर आता है कि वर्किंग के अंदर जो है वो नून लीग सबसे अच्छे है। देख लें आप मोटरवेज को, देख लें आप महंगाई को, देख लें आवाम तो चाहती है ना कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, और जब भी इनकी गवर्नमेंट आई है उन्होंने रिलीफ दिया है। इसके अलावा तो कोई गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे सके हमें, मां सिवाय नून लीग के। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही बारे में? इंशाल्लाह देगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाह तो वही जीतेगा। ये जीत कर भी हार चुके हैं, इनको देखो ये क्या कर रहे हैं, उनको क्या निशान लड़ा, ये जो निशान इन्होंने लाड़ किए हैं इन्हीं पर इलेक्शन लड़ने दें, इनका हशर देखें क्या होता है। हाँ, जो अलाट किए उन्होंने निशान, जैसे जूती, व्हील चेयर, फ्रिज, इसी पे लड़ने दें, देखें क्या होता है इनके साथ। हाँ, इंशाल्लाह ताला वो अंदर बैठ के भी जीत जाएगा। उनकी असल जो है ना, आवाम जो है ना वो कंपेन कर रही है, लीडर नहीं कर रहे, वर्कर नहीं, बड़े नहीं कर रहे, आवाम कर रही है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। सर ये बताइए आपको क्या लग रहा है इतना इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही मानो में हक? मुस्लिम लीग नून हमाद नवाज खान टेपू। अच्छा, क्यों सर? उसने काम किया है, पूरा मुजफ्फरगढ़ देख लें, हमारे गांव गलियां जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है पहला बंदा हमाद नवाज टेपू है जिसने काम किया है। अच्छा। हमने दस्तियों को वोट दिए, मार अरशाद अहमद सियाल को वोट दिए, किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया, हमाद नवाज टेपू ने काम किया, हम उसके साथ ठहरे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। इंशाल्लाह पीटीआई, पीटीआई की जीत होती है। अच्छा, जितना मर्जी ना इंसाफी कर ले, हक की जीत होती है। हाँ जी, जीत हमेशा हक की होगी इंशाल्लाह। हम तो सर जमात इस्लामी वाले। अच्छा, जमात। हाँ जी, क्यों सर? मैं को चांस देना चाहिए। तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम? अल्लाह नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? बस हमारा वैसे लीडर भी है, मैं तो खान को डालूंगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या इंशाल्लाह, बस मेरी पसंद है। अच्छा, पीटीआई। अच्छा, हाँ जी, लेकिन आपको बल्ला तो है नहीं? कोई बल्ला तो नहीं, बल्ला हो या चाहे ना हो पीटीआई आएगी। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? किसी को मैं दूंगा, सारे। आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग। और आपको क्या लगता है, आपका वोट बना? हम इमरान खान का साथ ही देंगे। वाह, एक सेकंड, ये क्या जबरदस्त ये मोटरसाइकिल वाले हैं। आपका वोट नहीं है? मैं किसी को नहीं दूंगा। आपका? इमरान खान। आपका? नून लीग। माशाल्लाह, ऐसे लाइक तो हम नवाज शरीफ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ जी। तो आप समझते हैं कि शेर एक बारी फिर इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही मानो में? नून लीग। क्यों सर? सर काम अच्छे कराती है। क्यों? बस मुझे लग रहा है ना, हम दीवाने उसी के हैं। इमरान खान। हाँ जी, उनका तो निशान भी नहीं है वैसे। कोई बात नहीं, निशान इमरान खान है। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में
वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मायने में हकदार? पीटीआई। हाँ क्यों सर? बस उनका एक मंशूर है तो इंशाल्लाह वो जीतेंगे। सर आपको नहीं लगता जो उससे निशान वापस हो चुका है अब बल्ले का तो आपके इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, वो उनकी जो काज है, काज तो वैसी ही है ना, काज तो नहीं खत्म हो गई ना। हाँ निशान से भी कोई फर्क? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही मानो में हकदार तो आप दे, लेकिन अब तो उनका पार्टी का निशान भी खत्म हो गया सर। अच्छा। अब सारे तो हो गए आजाद उम्मीदवार, अब देखेंगे सर किसको देना है। अच्छा। सर अब आप क्या सोचते हैं कि उनके आजाद उम्मीदवार या दूसरे पार्टी? नहीं, उन्हीं के आजाद उम्मीदवार इंशाल्लाह। अच्छा। देखा जाए तो देखा पीटीआई को मैं वोट दूंगा, क्योंकि जिस तरह से नाइंसाफी की जा रही है, मुझे तो लगता है पीटीआई को टिकट देना चाहिए और उसी को इलेक्शन में लड़ना चाहिए। अब देखें ना, अब उनको आजाद उम्मीदवार के तौर पर सारे टिकट लड़ रहे हैं, टिकट दी गई है, ये वैसे हक नहीं बनता उनका कि उनको पीटीआई के तौर पर उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ाए जाए। मेरे हिसाब से पीटीआई बेस्ट है। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? अभी तो कोई फैसला नहीं किया जी। अच्छा। अभी उनकी देखेंगे उनका मंशूर क्या है। हाँ। वो हमारे ज़िले के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे हल्के के लिए क्या कर सकते हैं, तभी फैसला करेंगे। आपने पर्चे खोले हुए हैं, मार्किंग कर रहे हैं? अभी अभी नहीं, कोई फैसला किया है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।